संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से हर घर पर्चा अभियान शुरू किया गया है। हर घर पर्चा अभियान के तहत कृषि कानूनों से किसानों को होने वाले नुकसान के बारे में जानकारी दी जा रही है। हल्द्वानी में पत्रकार वार्ता के दौरान संयुक्त किसान मोर्चा यूपी दिल्ली बॉर्डर गाजीपुर के प्रवक्ता जगतार सिंह बाजवा ने बताया कि देश के पीएम मोदी लोकसभा में झूठ बोल रहे हैं। वे इन कानूनों को किसान के हित में बता रहे हैं और 11 दौर की वार्ता के बाद भी संशोधन पर राजी होने के बाद सदन में बोलते हैं कि हमें अभी तक ये नहीं बताया गया कि कृषि कानूनों में काला क्या है। इसलिए किसान मोर्चा ने तीनों किसान कानूनों की खामियों को पर्चे के माध्यम से उजागर कर दिया है। अब केंद्र सरकार बताए जब उसके द्वारा पारित कानून किसान हितैषी हैं, तो वह इनमें संशोधन के लिए राजी क्यों नहीं है। किसान नेताओं ने कहा कि इन कृषि कानूनों को किसान धीरे धीरे समझ रहा है। जल्द ही इसके विरोध में पूरे देश में आंदोलन का ऐसा तूफान खड़ा होगा जो केंद्र सरकार को धराशायी कर देगा। बाजवा ने बताया कि तीन कृषि कानूनों के कारण देश के कॉरपोरेट व बहुराष्ट्रीय नियमों को कृषि उत्पाद ही नहीं बल्कि अंडा, मांस, मछली, दूध भी अपने गोदामों में भरकर रखने की खुली छूट मिल गई है। कानून में सरकार ने लिख दिया है कि देश में 50% से 100% तक महंगाई बढ़ने पर भी सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति जिंदा रहने के लिए अन्न खाता है उसको इन काले कानूनों को रद्द करने के संघर्ष में शामिल होना चाहिए। किसान मोर्चा द्वारा एक अभियान कहो, प्रयास कहो कि आम लोगों को ये बताना कि कानून में कमियां क्या हैं और मोदी जी को जवाब देना जो उन्होंने कहा था कि हमें आज तक पता नहीं चला कानून में काला क्या है, उसको लेकर के हमने एक ये जो पंपलेट है, पर्चा है, फोल्डर कहें इसको, ये लॉन्च किया है। इन तीन कानूनों में काला क्या है प्रधानमंत्री मोदी को बताओ। आज इसको यहाँ रिलीज किया गया है हल्द्वानी में, जिससे कि ये जो हमारे यहाँ के किसान हैं, संगठन हैं, तो जितने भी हैं इस मोर्चा से जुड़े हुए, वो इसको घर घर जा कर के किसानों को जागरूक करें। अभी पहले चरण में अभी अल्मोड़ा, नैनीताल और ऊधम सिंह नगर का था, साथ में हरिद्वार और देहरादून, अब कल हरिद्वार और देहरादून का है। किस प्रकार से आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं, इसका क्या एजेंडा है? एक ही एजेंडा है कि ये आंदोलन जो है मुकम्मल मुकाम तक पहुंचे और शांतिपूर्वक आंदोलन जो चल रहा है वो चलता रहे। सरकार के जो षड्यंत्र हैं, सरकारी षड्यंत्र इस आंदोलन को फेल करने के, किसी भी तरीके का आपस में फ़र्क डाल करके, बांट करके, वो ना बंटें और हम सब लोग एकजुटता से, मजदूर, किसान, सारे लोग लगें, उसी का ये प्रयास है कि हम सबके बीच जाए।